नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श जाट, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम ईपीजी पाठशाला में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी नाटक का इतिहास इकाई का अध्ययन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी नाटक के उद्भव से परिचित हो सकेंगे, हिंदी नाटकों का इतिहास जान सकेंगे और नाटक के इतिहास के विविध कालखंडों की प्रमुख प्रवृत्तियों से अवगत हो सकेंगे। नाटक अत्यंत प्राचीन विधा है, ऐसी विधा नहीं है जिसका जन्म आधुनिक काल में हुआ। ये ऐसी विधा है जो हिंदी भाषा से पहले भी थी। संस्कृत में हमारे नाटकों की बड़ी भारी परंपरा रही है। कालिदास बहुत ही महान नाटककार हमारे देश में हो चुके हैं और उसके बाद में अपभ्रंश और प्राकृत भाषा में नाटकों का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इतिहास नहीं दिखाई देता। बहुत वर्षों तक रीतिकाल और भक्तिकाल में भी नाटक हमको नहीं देखने को मिलते। नाटक की शुरुआत आधुनिक काल में हुई, वापस फिर से हुई, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि नाटक का जन्म आधुनिक काल में हुआ। नाटक का जन्म तो बहुत पहले हो चुका था और उसका सिद्धांत विवेचन भी हो चुका था। हिंदी में जो नाटकों की शुरुआत है वो गद्य के लेखन के साथ हुई और उसके शुरुआत का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता। खड़ी बोली में नाटक लिखे गए शुरुआत में। उन्होंने जिन कृतियों का उल्लेख नाटक के रूप में किया उसमें पहले की में बहुत नाटकीयता का अभाव की भी लोग जिक्र करते हैं, लेकिन प्राणचंद चौहान की एक पुस्तक है रामायण महानाटक, या लच्छीराम की करुणाभरण, या शकुंतला, महाराजा विश्वनाथ सिंह की आनंद रघुनंदन, इस तरह के हनुमान नाटक, इस तरह की कई जिसे कहते हैं पद्यात्मक प्रबंध है जिसे सुकुल जी ने कहा, इनमें आनंद रघुनंदन ही ऐसी रचना है जिसमें शास्त्रीय रचना के अनुसार नांदी, विषकंबक, भरत वाक्य आदि का प्रयोग किया है। कुछ रंग निर्देश भी दिए गए हैं और इसीलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक घोषित किया। इसमें भी नाट्य दृष्टि से अनेक दोष है। अन्य पूर्ववर्ती कृतियों में अमानतकत, इंद्रसभा का भी जिक्र होता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये नवाब की महफिल की नाटकीय योजना मात्र है। तमाम खामियों के बावजूद हिंदी में रीमा नरेश विश्वनाथ सिंह का जो आनंद रघुनंदन है उसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जा सकता है। हालांकि कहते हैं कि भारतेंदु के पिता ने भी एक नहुष नाटक की रचना की। तो नाटकों की जो शुरुआत पर संस्कृत का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं लगता कि नाटककारों ने संस्कृत नाटकों की विशेषताएं समझ रखी हो, या उन तत्कालीन जो अंग्रेजी नाटक थे उनका भी नहीं। लोक नाटकों के साथ साथ पारसी थिएटर का कुछ प्रभाव आरंभिक नाटकों में मिलता है और एक लंबी पृष्ठभूमि के बाद हिंदी नाटकों की जो औपचारिक शुरुआत है वो भारतेंदु युग में होती है। भारतेंदु का जन्म जैसा आप जानते हैं 1850 में हुआ और जिस समय भारतीय समाज राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तनों के मोड़ से गुजर रहा था, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनकी ऊर्ध्वमुखी शक्ति को पहचान और उसे विकासमान बनाने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। रूढ़ियों को प्रबल झटका देकर युगानुकूल मानव की जो अचूक परख उनको प्राप्त थी उसकी अभिव्यक्ति उनके नाटकों में हमें सर्वत्र दिखाई देती है। अर्थात ये हुआ कि ये समझ में आया भारतेंदु हरिश्चंद्र को कि नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है और इस विधा से समाज में जागरण हो सकता है। इसलिए नव जागरण के जो अग्रदूत भारतेंदु माने जाते हैं, तो साथ ही उन्होंने एक नाटकों की रचना भी की। न केवल नाटक, मौलिक नाटक लिखे, वरन उन्होंने कई सारे नाटकों का अनुवाद भी किया। न केवल स्वयं लिखा बल्कि दूसरे लोगों से भी नाटक लिखा है। नाटक पर उनका एक शास्त्रीय निबंध भी है। इस युग के जो नाटककार थे उन्होंने तत्कालीन जो सामाजिक समस्याएं थी उन सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने नाटक लिखा और मुख्य तौर पे जैसे पौराणिक है, ऐतिहासिक है और सामाजिक आधार पर उन्होंने नाटकों की रचना की। और इसमें त्याग है, बलिदान है, शौर्य है, ऐसे उदात्त मूल्यों को स्थापित किया। नाटकों द्वारा बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के समर्थन के स्वर भी हमको इन नाटकों में देखने को मिलता। इनके साथ में इस नाटकों में एक अजीब सी चीज है जिसे परिहास और व्यंग्यात्मक शैली इनमें मिलती है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने प्रहसन लिखे, थोड़ा हंसी खुशी का वातावरण, आराम आराम से अच्छी अच्छी बातें कहते कहते और एक वैचारिक चीजें आप अपने पाठकों को देते। प्रवृत्ति के आधार पर अगर आप नाटकों को देखें तो पौराणिक है, ऐतिहासिक है, रोमानी है, इस तरह के नाटकों में बांधे जाते।
इन विविध नाटकों के पीछे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का जो भी योग था, रोमांटिक नाटकों पर रीतिकाल का प्रवेश का प्रभाव था, परवर्ती प्रेमाख्यानों का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है, लेकिन जो प्रहसन है वो प्रहसन समाज सुधार के लिए थे और प्रहसन जो है वो भारतेंदु की अपनी खोज थी, अपने समय में उन्होंने इसका सबसे अधिक ध्यान दिया। चंद्रावली नाटिका पौराणिक नाटक थी, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप, अंबिका दत्त व्यास ने ललिता और कल्पवृक्ष नामक नाटक लिखा, इसी तरह देवकी नंदन खत्री ने सीताहरण लिखा या कार्तिक प्रसाद खत्री का उषाहरण, ये ज्वाला प्रसाद मिश्र का सीता वनवास, नल दमयंती स्वयंवर, इस तरह के कई नाटक जो पौराणिक प्रसंगों के अंदर हमारे सामने आते हैं जो भारतेंदु युग में लिखे गए। भारतेंदु युग में नाटकों का स्वरूप स्थिर नहीं हो रहा था, जो जिस तरह से लिखना चाहे वही लिखे, और क्योंकि गद्य की सारी विधाओं का जन्म हो रहा था इस तरह नाटक का भी पुनर्जन्म हो रहा था। जब पुनर्जन्म हो रहा था तो रूप स्थिर नहीं था, रूप स्थिर नहीं होने के कारण नाटककारों ने कई तरह के प्रयोग किए। अगर प्रयोग की दृष्टि से देखें तो भारतेंदु युग का के जो नाटक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रेरणी परिणय लिखा, मयंक मंजरी लिखा, शालिग्राम शुल्क ने लावण्यवती सुदर्शन, गोकुलनाथ शर्मा की पुष्पवती, ये इस तरह का एक नाटक लिखा। रणधीर प्रेम मोहिनी की बहुत चर्चा है, दुकांत नाटक के तौर पर इसको माना जाता है। सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई भारत दुर्दशा या बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विश्व, खड़ग बहादुर मल की भारत आरत, अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य, इस तरह की जो देश दशा से जुड़े हुए जो नाटक है वो उस जमाने में बहुत लिखे गए। प्रहसनों में भारतेंदु की वेदी की हिंसा, हिंसा न बहुती, या इसी तरह अंधेर नगरी जिसका बहुत चर्चा बाद तक हुई, आज भी अंधेर नगरी नाटक एक तरह का कहना चाहिए कि मापदंड की तरह से एक नाटक माना जाता है, इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली, उसका अपना एक सौंदर्य है, अपना एक महत्व। प्रताप नारायण मिश्र का भी है, कली कोतु रूपक और बहुत सारे नाटक थे। इस युग में एक और चीज हुई कि संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं के जो नाटक है उन नाटकों का अनुवाद हुआ। संस्कृत से जैसे भवभूति के नाटकों के अनुवाद हुए, कालिदास के नाटकों के बहुत अनुवाद हुए, भारतेंदु ने स्वयं संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी के नाटकों के अनुवाद किए। उन्होंने दुर्लभ बंधु 1880 में किया अंग्रेजी के, मर्चेंट ऑफ वेनिस का रूपांतरण किया, और जो हिंदी में बिल्कुल आरंभिक अनुवादों में है जो शेक्सपियर का, इसी तरह द कॉमेडी ऑफ एरर्स रतन चंद ने प्रस्तुत किया, भरम जालक नाटक, मौलिक नाटकों के विषय, नाट्य रूप, ऐतिहासिक क्रम सब दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अंधेर नगरी जो 1881 का नाटक है वो एकदम क्लासिक तरह का नाटक है। तो कहना चाहिए कि बंगला नाटक, संस्कृत नाटक और अंग्रेजी नाटक, इनका भी एक रूप हमारे सामने आया, और स्वयं भारतेंदु ने तरह तरह के नाटकों की रचना की और उनके युग के लेखकों ने भी नाटकों का लेखन किया। उसके बाद में जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास क्रम के अंदर जाते हैं तो द्वैधी युग आते हैं। द्वैधी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी का जमाना था, लेकिन एक थोड़ा सा नीति परक था, ये बहुत अनौपचारिक नहीं रहा, बहुत औपचारिक नाटक लिखे जाने लगे, और इसलिए संख्या की दृष्टि से भी द्वैधी युग में बहुत कम नाटक लिखे गए और महत्व के हिसाब से भी बहुत कम लिखे गए। विषय वस्तु के लिहाज से भी देखें तो सभी वर्गों में हालांकि उन्होंने नाटक उस काल में भी लोगों ने लिखे एक दो, लेकिन कोई बहुत चर्चित नाटक नहीं। पौराणिक नाटकों में जैसे राधाचरण गोस्वामी का श्री दामा, रामनारायण मिश्र का जनकबाड़ा, बनवारी लाल का कृष्ण कथा, ये इस तरह के कई नाटक हैं जिनको, जयशंकर प्रसाद का भी अगर आप माने तो 1912 में करुणालय लिखा था, माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध लिखा था। तो ये जो हमारे पौराणिक प्रसंग थे, इतिहास के जो हमारे प्रसंग थे, उन प्रसंगों के आधार पर नाटकों की रचना की। ऐतिहासिक नाटक भी लिखने शुरू हो गए थे उस जमाने। वृंदावन लाल वर्मा ने 1909 में सेनापति उदल नाम का नाटक लिखा था, बद्रीनाथ भट्ट ने चंद्रगुप्त लिखा था, और जयशंकर प्रसाद ने राजश्री 1915 में लिखा था। तो इस तरह से जो हमारे अतीत के जो गौरवशाली जो नायक थे उन नायकों के बारे में नाटक लिखने की परंपरा चली। समसामयिक विषय वस्तु पर भी लोगों ने लिखा, 1902 में भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा, भगवती प्रसाद ने एक वृद्ध विवाह नाम का एक नाटक लिखा, या हमारी उन्नति कहाँ से होगी कृष्णानंद जोशी ने लिखा। तो ये इस तरह के नाटक समस्याओं से जुड़े हुए भी आए, लेकिन वो चूंकि उपदेश का जमाना था द्विवेदी,
सलाह देते थे, नीति कथा कहते थे, समाज सुधार पर जोर देते थे और अपने देश की उन्नति तो की तरफ उनका ध्यान था, तो समाज के उद्धार की भावना से प्रेरित होकर सारा साहित्य लिखा जा रहा था। इसलिए जिसे जो खेल भारतीय युग में था वो इस युग में नहीं मिला। रोमांचकारी नाटक में जो है अलौकिक और रोमांचिक घटनाओं को सामने रखे लिखा था, तो पारसी रंगमंच का उसमें प्रभाव था और इसलिए इतिहासकारों ने भी जिसे कहना चाहिए मंचीय नाटक थे। तो दो प्रकार के नाटक थे, एक वे जिनकी रचना पारसी प्रेमाख्यानों के आधार पर हुई और दूसरे वे जिनकी रचना पौराणिक आख्यानों को लेकर, दो ही तरह के थे। और ये जो नाटक है व्यवसायी नाटक मंडलियों द्वारा लिखे गए थे और इसलिए इनके आधार पर तत्कालीन जन सामान्य की रुचि का अनुमान लगाया जा सकता है। रोमांटिक नाटककारों में मोहम्मद मियाँ रौनक, हुसैन मियाँ, जरीफ मियाँ, विनायक प्रसाद तालिब, सैयद मेहंदी हसन एहसान, नारायण प्रसाद बेताब, आगा मोहन, मोहम्मद हसन, राधे श्याम कथावाचक, ये इन लोगों के जो नाटक है वो लिखे गए थे और मंच पे भी होता था। मंच में तो अधिकतर पारसी रंगमंच का ही प्रभाव था और जिसमें प्रहसन अगर देखें तो बद्रीनाथ भट्ट का मिस अमेरिका, चुंगी की उम्मीदवारी, विवाह विज्ञापन, इनका नाम लिया जा सकता है। तो मौलिक नाटकों की दृष्टि से द्विवेदी युग को बहुत महत्वपूर्ण नहीं है थे, लेकिन उस समय में नाटकों के अनुवाद बहुत हुए और विशेष रूप से संस्कृत नाटकों के अनुवाद हुए, बंगला नाटकों के अनुवाद हुए और पश्चिम के कई नाटकों के अनुवाद हुए। संस्कृत से लाला सीताराम ने नागानंद, मृच्छकटिक, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, इस तरह के नाटकों की रचना की, हेमलेट की रचना की, रिचर्ड द्वितीय का अनुवाद हुआ, मेकबेथ का हिंदी में अनुवाद लाला सीताराम ने किया और फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार ओलिवर के नाटकों का भी लल्ली प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने अंग्रेजी के माध्यम से अनुवाद किया। बंगला से भी बहुत सारे अनुवाद हमारे समय में आए। तो ये जो नाटकों का क्या जो इतिहास है, जो नाटकों की जो शुरुआत है वो हमको बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत, संस्कृत का उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना धीरे धीरे अंग्रेजी का प्रभाव बंगला के माध्यम से और स्वयं अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद। अपने से जो उन्होंने नाटक लिखा वो समाज सुधार की भावना से। ये द्वैदी युग के समाप्त होते होते साहित्य में जब द्वैदी युग चल रहा था उसके बाद वाले हिस्से में जयशंकर प्रसाद का आगमन होता है और प्रसाद जी ने कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे और नाटक भी लिखे। नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, उनके नाटकों से हिंदी का जो नाटक साहित्य का जो इतिहास है वो प्रसाद युग से माना जाता है। प्रसाद युग उनको नाम दे दिया गया, भाई जयशंकर प्रसाद के नाटकों को देखो। प्रसाद जी ने किस तरह के नाटक लिखे? प्रसाद ने मुख्यतः ऐतिहासिक नाटक लिखे। प्रसाद जी ने एक विशेष कालखंड को चुना, माने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना से जो पहले का इतिहास है उन इतिहास के राजाओं को या उनके समय को केंद्र में बना करके उन्होंने नाटक लिखे, जिनमें अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, ये ऐतिहासिक नाटक है। इन नाटकों की विशेषता यह नहीं है कि ये ऐतिहासिक नाटक है, इन नाटकों की विशेषता यह है कि ये स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित है। यवनों के आक्रमण के विरोध में हमारे देश की जनता और राजा किस तरह से संगठित हो रहे हैं और देश में क्या समस्याएं आ रही है उसका वो वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो वर्णन है वो भारत में अंग्रेजी राज के संदर्भ को भी अपने ढंग से व्याख्यायित करता है। तो इतिहास का इस्तेमाल समसामयिक समस्याओं को का चित्रण करने के लिए कैसे किया जा सकता है ये प्रसाद जी के नाटक दिखाते हैं। इसमें एक और बात है कि प्रसाद जी ने इस बात का भी ध्यान रखा कि इतिहास की ऐतिहासिकता बनी रहे, इतिहास की प्रामाणिकता बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ऐसी बातें बोल दें जो उस जमाने में थी नहीं। इसलिए प्रसाद जी ने एकदम संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा का प्रयोग किया, तत्सम बहुल भाषा है और उस समय के पूरे वातावरण को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। उस पुनर्जीवन के अंदर अपने समय का जो भी जो इतिहास का जो मर्म है, इतिहास का जो दर्द है, जिस राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं वो प्रसाद जी उस पर बल देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य उस राष्ट्र प्रेम को जागृत करना है, जो राष्ट्र प्रेम स्वाधीनता आंदोलन का मुख्य बिंदु था। हमारा देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, हालांकि कार्यालिया गाती, लेकिन ये प्रसाद जी के नाटकों का मुख्य स्वर है।
इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी समस्याओं का भी इसमें चित्रण किया है जो समस्याएं एकदम आधुनिक है। उदाहरण के लिए अगर आप ध्रुव स्वामिनी का नाटक को देखें, बहुत छोटा नाटक है जिसमें ध्रुव स्वामिनी एक तो स्त्री है, वो नायिका है। दूसरा उसमें ये समस्या है कि क्या स्त्री को तलाक देने का अधिकार है, क्या शास्त्रों में इसकी राय दी गई है। ये एक ऐसी बहस थी जो उस समय प्रसाद जी के समय में, प्रसाद जी ने कहा कि नहीं, स्त्री को अपने क्लीव पति को तलाक देने का अधिकार है और फिर वो अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चंद्रगुप्त को चुनने का भी अधिकार है। ये एक बड़ा सा, एक ऐसी जगह पर प्रसाद जी लेकर के गए जो नितांत आधुनिक समस्या को उस प्राचीन काल में, जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास माना जाता है, उस गौरवपूर्ण इतिहास में स्थापित करके उस हिस्से को उन्होंने हमारे सामने रखा। और किस तरह जो बाहरी आक्रांता है वो भीतरी लोगों से मिलकर के और एक शत्रुता का वातावरण पैदा कर देते हैं। एक और बात प्रसाद जी के नाटकों में दिखाई देती है कि वो वर्णन इतिहास का करते हैं। इतिहास में लड़ाई झगड़ा संघर्ष सब होता है, सेना आती है, सब होता है और उस सब का वर्णन है। नायक एकदम वीर पुरुष है, वीरता का कृत्य करता है, साहस है, उत्साह, लेकिन उसके बीच में भी एक जो रूमानी जो धारणा, जो प्रसाद जी जिस तरह के रूमानी कवि है, वो स्वच्छंदतावादी जो कवि का जो जीवन है वो भी उन नाटकों में मिल जाता है। और इसके लिए प्रसाद जी ने नए नए पात्रों की का सृजन किया, सृष्टि की है, जो वो ऐतिहासिक पात्र नहीं है, इतिहास में उनका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन प्रसाद जी ने उन नाटकों में उस रूमानी भाव बोध को पैदा करने की जगह दे दी और इसलिए वो पात्र नए ढंग से हमारे सामने आते हैं। वो आप ये नहीं कह सकते कि वो पात्र जो है वो काल्पनिक, माने है ही नहीं, असत्य नहीं, ऐसे पात्र हो सकते हैं। इसलिए इतिहास में संभावना की जगह होती है ये प्रसाद के नाटकों का मैं अंदर का। अब यहाँ पर प्रसाद जी के नाटकों पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा कि ये हालांकि बहुत अच्छी बातें कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इन नाटकों का मंचन नहीं हो सकता। ये प्रसाद जी के नाटकों पर आरोप लगा क्योंकि उस समय का जो रंगमंच था, उस समय का रंगमंच पारसी थिएटर से प्रभावित था और पारसी थिएटर में सस्ती लोकप्रियता से भरे हुए नाटक लिखे जाते थे। प्रसाद जी ने उस सस्ती लोकप्रियता वाले मनोरंजन प्रधान जो नाटक की जो पूरी विधा रंगमंच की बन गई थी उसको एक गंभीर पाठ्य सामग्री के रूप में हमारे सामने रखा और प्रसाद जी ने कहा कि ये नाटक एक गंभीर विधा, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, ये इसके अंदर एक बड़ी सी चीज़ है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ भी प्रसाद जी के इन नाटकों की समस्या थी कि इसमें समय बहुत था। जो संकलन त्रय कहते हैं अरस्तु के समय में कहा था कि भाई कार्य की एकता, चरित्र की एकता, ये सब होना चाहिए, तो आप 25-30 साल का समय एक घंटे या दो घंटे या तीन घंटे के नाटक में, चंद्रगुप्त में आप कैसे दिखा सकते हो, तो ये संभव नहीं है। इसी तरह से इतने सारे पात्रों की आयोजना करना, इतने सारे पात्रों को एक साथ मंच पर प्रस्तुत करना रंगमंच की दृष्टि से बहुत ही जटिल काम है। हालांकि बाद के दिनों में और अब तो टेलीविजन के आने के बाद प्रसाद के नाटकों का मंचन हो सकता है और कई लोगों ने उनका मंचन किया भी है और जो बहुत ही सफल मंचन हुआ, लेकिन मंचनीयता की जो समस्या है वो प्रसाद के नाटकों पर और प्रसाद जी पर आरोप लगा, लेकिन जिसे प्रसाद जी स्वीकार नहीं करते थे उनका यह था कि मंच वालों की अपनी समस्या, एक लेखक की समस्या नहीं। तो लेखक के रूप में प्रसाद जी ने जिन नाटकों की रचना की और जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं, वो नाटक एक का एक साथ, वो ऐतिहासिक नाटक है, वो समसामयिक नाटक है और वो रोमांटिक नाटक है, स्वच्छंदतावादी शैली के नाटक है, और उसमें जो पात्र आए हैं वो पात्र बहुत ही जीवंत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस जो पारसी रंगमंच की जो प्रवृत्तियां थी, इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध इन्होंने रचना की और इसलिए इन्होंने अपने नाटकों के द्वारा जो हमारा इतिहास का जो गौरवशाली पक्ष है वो गौरवशाली पक्ष को हमारे सामने रखा। शिल्प की दृष्टि से भी बहुत परिवर्तन किए उन्होंने, कथा वस्तु में एक मुख्य कथा के साथ अनेक छोटी छोटी कथाएं, रस अलग, नायक थे, प्रतिनायक थे, विदूषक थे और चरित्र की अनेक चीजें हमें देखने को मिलती थी जो हमारे पुराने जो हमारा संस्कृत काव्य शास्त्र का जो नाट्य शास्त्र है उस नाट्य शास्त्र के अनुसार जो चीजें रसात्मक अभिव्यक्ति जो होती थी वो इनके नाटकों में हमें देखने को मिलती है।
इसलिए रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से कमजोर होना प्रसाद युग के नाटकों की भी एक खास पहचान भी है। कहा उस समय के ध्यान नहीं रखा जाता, जो समकालीन नाटककार है वो समकालीन नाटककार इस बात का ध्यान रखता है कि ये रंगमंच के अनुसार कैसा। इसलिए जब वो पहली बार मंचित होता है नाटक तो नाटककार वहाँ उपस्थित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर वो अपने कुछ संवादों को हटा देता है या कुछ बदल देता है या सुधार कर देता है कि इतने लंबे संवाद नहीं होने चाहिए। एक बार में आदमी कितनी देर तक बोल सकता है, एक बात को कितनी देर तक बोल सकता है, कितनी देर तक कोई सुन सकता है, इन सब का ध्यान रखते हुए आजकल के नाटककार लिखते हैं। लेकिन प्रसाद के समय में तो चूंकि रंगमंच हमारा विकसित ही नहीं था, इसलिए प्रसाद जी घर में बैठ के ही अपना लिखते थे, इसलिए उनके नाटकों में ये कमी नहीं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नाटककार थे उस समय के हरिकृष्ण प्रेमी थे, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक बड़े महत्वपूर्ण थे। हरिकृष्ण प्रेमी ने ऐतिहासिक नाटक लिखे और हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम संघर्ष इन दोनों का उन्होंने ध्यान रखा और इसकी उन्होंने अभिव्यक्ति की। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने समस्या परक नाटकों की रचना की और सन्यासी की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र लिखते हैं कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग में वांछनीय नहीं। वो ऐतिहासिक नहीं लिख रहे थे, स्पष्ट है कि ये प्रसाद के इतिहास प्रेम और उनके नाटकों में मौजूद ऐतिहासिकता के विरोध और प्रतिक्रिया में था। यद्यपि सन 1938 के बाद मिश्र जी ने भी कुछ ऐतिहासिक नाटक लिखे। प्रसाद की कठिनाई ये थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच नहीं था और इसीलिए उन्होंने रंगमंच का ध्यान ही नहीं रखा और एक काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप देने के लिए जितने मेहनत की जरूरत थी वो उन्होंने नहीं किया। शांता गांधी ने नटरंग पत्रिका में लिखा कि प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याएं सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। ये प्रसाद के नाटकों की जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को भी हमें जानना चाहिए। इस युग में तमाम ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपनी नाट्य रचना द्वारा परिमाणात्मक दृष्टि से बहुत सारे नाटक लिखे। धार्मिक और पौराणिक नाटक बहुत लिखे गए, ऐतिहासिक नाटक बहुतायत में लिखे गए। उसमें अंबिका दत्त तिवारी ने सिया स्वयंवर नाटक लिखा या रामचरित उपाध्याय ने देव द्रौपदी लिखा या सुभद्रा लिखा, गंगा प्रसाद अरोड़ा ने सावित्री सत्यमान लिखा। जो हमारे देश के जो पौराणिक संदर्भ है उन पौराणिक संदर्भों पर बहुत सारे नाटक लिखे। इसी तरह ऐतिहासिक संदर्भों के भी बहुत सारे नाटक इस युग में लिखे गए। इन नाटकों के अलावा प्रसाद जी के नाटकों के बाद जो नए नाटक विकसित हुए वो आज़ादी के बाद, जिसे कहना चाहिए प्रसादोत्तर युग। प्रसाद जी इतने महत्वपूर्ण हैं कि प्रसाद के बाद में जो नाटककार हैं वो एक तो प्रसाद की छाया से मुक्त हों और नए ढंग के नाटक वो लिखने की कोशिश करें। जैसे प्रेमचंद के बाद की जो कहानी है उसमें जैसे परंपरा और प्रयोग की दो धाराएँ अलग अलग दिखती है, प्रसादोत्तर नाटक में भी प्राय वैसी स्थिति है। प्रसाद के समय से ही धीरे धीरे नाटक दृश्य की बजाय पाठ्य अधिक हो गया और ये पाठ्य का जो प्रभाव है वो आप सेठ गोविंददास और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक इसके उदाहरण है। बाद के कुछ नाटककारों ने बलपूर्वक इस गलत प्रवाह को मोड़ा और हिंदी क्षेत्र के रंगमंच को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। कुछ अन्य नाटककार हुए जो नाटक को महज किताब मानकर ही लिखते रहे। नाटक को रंगमंच के साथ फिर से जोड़ने में उपेंद्रनाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर और भुवनेश्वर का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अस्क ने व्यवहारिक रंगकर्म की भी बराबर रुचि थी और रंगमंच को सक्रिय करने के लिए उन्होंने एकांकी नाटक भी लिखे। इस समय हिंदी में बहुत सारे एकांकी नाटक उसमें लिखे गए थे। उपेंद्रनाथ अस्क पहले नाटककार है जिन्होंने नाटकों ने छायावादी रोमांस की तुलना में आधुनिक भावबोध को स्थापित किया। उनके जय पराजय जैसे नाटक में प्रसाद का प्रभाव दिखा जा सकता है। पर छठा बेटा, केद, उड़ान, अंजो दीदी ऐसे नाटकों में जीवन के यथार्थ के विविध पक्ष देखने को मिलते हैं। इसी तरह विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर इस अवधि का बहुत बहुत चर्चित नाटक है। स्वातंत्रोत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषताएं जो है वो मोहन राकेश के साथ शुरू थे। मोहन राकेश ने संगीत नाटक अकेदमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इनकी स्थापना उस समय हो चुकी थी और उसके बाद मोहन राकेश ने नए ढंग से नाटक लिखने शुरू किए जिनमें उनके तीन नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके नाटकों पर आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में छपा, फिर लहरों के राजहंस
1963 में और आधे अधूरे 1969 में। इसमें व्यक्ति और समाज का द्वंद्व आपको दिखाई देता। राजनीतिक नाटकों में आधुनिक युग के राजनेताओं के आदर्शों, मूल्यों, विश्वासों के पतन का चित्रण बेहद रोचक तरीके से किया गया। इसके साथ साथ सत्ताधारी वर्ग द्वारा जो किया गया दुराचार है, भ्रष्टाचार है, उसका चित्रण भी उसमें होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शिल्प और रंगमंच की दृष्टि से सुदृढ़, और ये ऐसा काम रंगमंचीयता का जो महत्व है वो महत्व इस युग के नाटककारों ने हमारे सामने रखा। जगदीश चंद्र माथुर का जो नाटक है कोणार्क, वो मंचीय सार्थकता और नई जटिल जीवन अनुभूतियों को व्यक्त करने का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इसी तरह उनका दूसरा ऐतिहासिक नाटक है शारदीया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उनका पहला राजा, ये सब समसामयिक संदर्भों से जुड़े हुए नाटक हैं। इसी तरह से धर्मवीर भारती ने गीत नाट्य लिखा अंधा युग, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस गीत नाट्य में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देवावस्थान तक की कथा इस नाटक में है, और ये अंधा युग बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध नाटक रहा। इसी तरह से मादा केक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का, तीन आंखों वाली मछली, सुंदर रस, सूखा सरोवर, रक्त कमल, रात रानी, ये इस तरह के बहुत सारे जो नाटक है वो लिखे गए। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन के बारे में लिखा हुआ है, उन्हीं का परिवेश है, और आषाढ़ से प्रथम दिवसे उनकी रचना का पहला श्लोक है। उसके आधार पर उन्होंने कलाकार के का परिवेश, उसकी रचना प्रक्रिया, उसके प्रेरणा स्रोत, और किस तरह सत्ता से, राज सत्ता से जुड़ करके उसमें जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन इसमें दिखाया गया। इसी तरह से लहरों के राज में आध्यात्मिक भाव भूमि को राग विराग के द्वंद्व के साथ देखने की कवायद की गई। आधे अधूरे एकदम मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को दिखाने वाला नाटक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। हालांकि इस नाटक में बहुत ही कई बार वितृष्णा सी उत्पन्न होती है, और पतन की इंतहा या पतन की अतिरंजना भी आप उसे कह सकते हैं कि वो इसमें देखने को मिलता है इन नाटकों में। ये जो है चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने भी कुछ नाटक लिखे, जिसमें न्याय की रात, विनोद रस्तोगी का नाटक है आजादी के बाद, या नया हाथ, ये नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी कमियों के बावजूद ये रेखांकित करने योग्य नाटक है कि आजादी के बाद के जो नाटक है इसमें नया हाथ में बहुत रूढ़ नैतिकता और झूठी मर्यादा के विरोध में उन्होंने लिखा। नरेश मेहता ने सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं शीर्षक नाटकों की रचना की। मन्नू भंडारी ने भी नाटक लिखा बिना दीवारों के घर। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे नाटक आए जिन नाटकों में एक विशेष प्रकार की प्रयोगशीलता दिखाई देती है, और लोक संवेदना का, जिसे कहना चाहिए कि अनुसरण करने की कोशिश की है, अपने आप को पश्चिम से मुक्त करने की कोशिश की गई है। इसलिए ये नाटक जीवन के अंतर विरोधों, तनावों और जटिल परिवेशगत स्थितियों की अभिव्यक्ति करते हैं। भीष्म साहनी ने नाटक लिखे जो बड़े चर्चित प्रसिद्धित हुए। सर्वे सदयाल, सक्सेना की बकरी बहुत प्रसिद्ध हुई, मुद्रा राक्षस, ज्ञान देव अग्निहोत्री, ऐसे अनेक नाटककार इस समय में हुए। 60 के बाद समाज में एक मोह भंग की स्थिति भी हुई, और मोह भंग में नाटकों में भी बहुत बड़े रचनाकार हुए। प्रयोग धर्मी नाटककारों में पद्य नाटक लिखे, उन्होंने काव्य नाटक लिखे, अपनी प्रगतिशील विचारधारा के साथ हिंदी में नुक्कड़ नाटकों के भी शुरुआत हुई, और इसमें अनुवाद भी बहुत हुए। शेक्सपियर का, वाल्टर वाई का, ब्रेक्ट का, सैमुअल बेकेट का, कैरल का, चेपेक का, इनके नाटकों का भी भारतीय परंपरा के अनुसार बहुत सारे अनुवाद हुए। 1960 के बाद हिंदी नाटकों में प्रयोग का ये सिलसिला जारी रहा, और बहुत अच्छे प्रयोगों के द्वारा हिंदी के अनूठे नाट्य रूपों का अनुसंधान किया गया। प्रयोग के लिए नाटकों का क्षेत्र अत्यंत उर्वर है, इसे नाटककारों में समझा, और इसी क्रम में मोहन राकेश ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नाटक लिखे। विपिन कुमार अग्रवाल ने अपसर्ड नाटक लिखे, जिनमें तीन अपाहिज बहुत चर्चित रहा। अपसर्ड नाट्य परंपरावादी मंच को तोड़ते हैं। इन नाटकों की श्रृंखला में एक शंभुनाथ सिंह का दीवार की वापसी, लक्ष्मीकांत वर्मा का अपना अपना जूता, रमेश बख्शी का भग्न स्तूप टूट का अक्षत स्तंभ, या इसी तरह मणि मधुकर का रस गंधर्व, इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। इस दरअसल ये प्रयोग नाटकों के क्षेत्र में नए मुहावरे भी हमारे सामने आए, और इन्होंने नए ढंग के कई सारे नाटक लिखे। नाटक के क्षेत्र में ये परिवर्तन यूं ही नहीं आया था। देश के स्वतंत्र होने के बाद
छठे दशक में जो संगीत राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इनकी स्थापना के साथ साथ पृथ्वी थिएटर जैसा मंच भी मुंबई में रहा और इसके कारण इन नाटकों का मंचन की सुविधा मिली और एक तरह से आज़ादी के बाद रंगमंच की जो समस्या जो प्रसाद जी के समय में थी वो प्रसाद जी के समय की समस्या यहाँ आकर के समाप्त हो गई। इसी तरह 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक नाटक विशेषांक निकला और एकांकी नाटक कितना महत्वपूर्ण है इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का एक पत्र भी प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने साहित्य में एकांकी के अस्तित्व पर सवाल उठाए। इसे उलट उपेंद्रनाथ अस्क ने एकांकी को नाटक कहानी और संभाषण से पृथक एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकृत की। जैनेन्द्र ने पश्चिम की तुलना में भारत की परिस्थितियों को एकांकी के लिए अच्छा नहीं माना जिसका खंडन हंस के तत्कालीन संपादक ने किया। इस तरह एकांगी भी विकसित हुई हिंदी में और वो भी एक नाटक का ही हिस्सा है। तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर आदि प्रमुख है। राम कुमार वर्मा के कई एकांकी संग्रह है, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्त किरण, ये इस तरह के। उदय शंकर भट्ट ने तो सन 1938 के बाद एकांकी लेखन प्रारंभ किया, स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूप सिका आदि इस तरह के एकांकिया है। एकांकिकारों की लिस्ट में अगर आप देखें तो हरिकृष्ण प्रेमी ने भी लिखा, विष्णु प्रभाकर ने भी लिखा, भारत भूषण अग्रवाल, विनोद रस्तोगी, विमला लूथरा, रेवती रमन शर्मा आदि इस तरह के बहुत और नाटककार भी है। सातवें आठवें दशक में भी कई सारे नाटक छोटे छोटे लिखे गए और रंगमंच की दृष्टि से हिंदी में बाबे कारंत, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जालान, राजेंद्र नाथ, बंसी कोल, ब्रजमोहन शाह, एम के रैना, भानु भारती, देवेंद्र राज अंकुत जैसे अनेक प्रतिभाशाली निर्देशक भी हिंदी को मिले और उन्होंने कई महत्वपूर्ण नाटकों को हमारे सामने प्रस्तुत किया और ये नाटक हिंदी रंगमंच के विकास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हिंदी का जो नाटक और रंगमंच है वो अखिल भारतीय स्तर पर भी सक्रिय हुआ और भारत की दूसरी भाषाओं में जो नाटक लिखे जाते थे उनका अनुवाद और मंचन हिंदी भाषी क्षेत्रों में हुआ, जिनमें से बादल सरकार का के नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए, गिरीश कर्नाड के नाटकों का महत्व रहा और विजय तेंदुलकर। इन तीन नाटककारों का हिंदी रंगमंच पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा और ये अनुदित रूप में हिंदी में बहुत इनका मंचन हुआ। उसके बाद नाटकों का जो स्तर है वो बहुत ऊपर उठ गया और ये जो रंगमंच के निर्देशक है उन निर्देशकों की भी एक लंबी पीढ़ी विकसित हुई जिन्होंने साहित्य को मंच प्रदान करने की कोशिश की तथा नए प्रकार के नाटक इन्होंने हमारे सामने रखे और इस तरह रंगमंच और नाटक लेखन और प्रस्तुतिकरण इन दोनों का जो द्वैत प्रसाद जी के युग में आया था उस द्वैत का बाद में जाके अब खंडन हुआ है और अब हमारे हिंदी नाटकों के विकास की संभावनाएं आगे और बढ़ रही है।